मैं वसंत गावड़े, मुंबई का किंग, वडाला का वुल्फ, थाने का टाइगर, चेंबूर का चीता और डिंडरा पीट कर ये बताने वाला कि ताजा खबर सीजन 2 आ चुका है, तो गौर से देखिए ये रिव्यू वीडियो। सबसे पहले जिसने सीजन 1 नहीं देखा उनके लिए एक छोटा सा रिकैप। ये कहानी है वसिया की जो एक शौचालय संभालता था, यानी कि टॉयलेट। शौच में बैठ कर वो बड़े बड़े सपने देखता था, मगर नसीब पांडू थे मेरे जैसे। फिर एक दिन उसे एक वरदान मिलता है और वो वरदान ये है कि उसके फोन पर जो भी इवेंट फ्यूचर में होने वाला होगा, जो भी इंसिडेंट फ्यूचर में होने वाला होगा, वो उसे थोड़े टाइम पहले पता चल जाता है। साउंड्स इंटरेस्टिंग या कोई स्टोरी मैच हो रही है? मैं कुछ नहीं बोल रहा, बट ये स्टोरी है यहाँ की। फिर वो उस वरदान से बहुत पैसे कमाना चालू करता है और धीरे 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 मुंबई का एक फेमस आदमी बन जाता है। और लोगों की खासियत है कि आदमी को उसकी औकात के बाहर जाता देख जलते हैं। थोड़े ही टाइम में वसिया बैटिंग कर करके बड़ा आदमी बन गया और फिर मुंबई का एक बड़ा बिजनेसमैन कहलाने लगा। मगर वरदान कब श्राप बन जाए वो पता नहीं चलता। और एक दिन उसके फोन पर उसे अपनी ही मौत की खबर आती है और फिर वहीं पर सीजन 1 एंड हो जाता है और वही सीजन की ताजा खबर है। क्रिश मूवी के जैसा कुछ स्ट्राइक हुआ? नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा, बट सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में वसिया का लव इंटरेस्ट मधु, फिर आते हैं महबूब भाई और पीटर। वसिया का जो दोस्त है वो खास दोस्त है, वो उसके साथ मार खाने के लिए भी तैयार है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है ये सीजन 1 के। अब सीजन 2 कहाँ से स्टार्ट होती है? वहीं से जहाँ से वो ताज़ा खबर आई थी। ताज़ा खबर जो मिलती है वो पार्शियली सच होती है और तभी एंट्री होती है यूसुफ अख्तर की। और ये भी यूसुफ अख्तर उस वरदान टन श्राप के पार्ट बने और फिर स्टोरी में उनका जो खौफ, वसिया को मारना, लोगों को डराना और पूरा ड्रामा इनके आजू बाजू होता है। सीजन 2 में वसिया का वरदान वापस आ जाता है और वसिया भी, मगर ताज़ा खबर थोड़ी ऊपर नीचे होने के कारण उसे लॉस भी बहुत होता है, पैसों का भी और फैमिली का भी। और फिर कैसे अपने बाकी के लोगों को वापस बचाकर वसिया फिर से वही लग्जरियस लाइफ पर वापस आ जाता है, वही इस सीजन 2 में बताया गया है। सीजन 2 का ही पोस्ट क्रेडिट सीन समझ लो। वसिया सोचता है कि ये वरदान या श्राप जो भी हो, इससे पीछा छुड़ाने के लिए वो फोन फेंकने जाता है, बट फिर क्या, इनकमिंग कॉल फ्रॉम ताज़ा खबर। सो सीजन 3 में भी वो तो बाद में पता चलेगा, बट ताज़ा खबर सीजन 1 और सीजन 2 की कुछ ऐसी इम्पैक्टफुल लाइन्स है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सीजन 1 की पहली लाइन, हम कहाँ जा रहे हैं, औकात के बाहर। सीजन 2 की ये लाइन, कर्जा और गुना चुकाने पड़ते हैं वरना चैन से मर भी नहीं सकते। जब लगती है तब बहुत गहरी बात कर देते हो महबूब भाई। ये भुवन बाम की सीरीज है और भुवन भाई की एक्टिंग, फाइटिंग और इमोशन बहुत ही अमेजिंग है। और मज़ा आया क्योंकि ये एपिसोड्स बहुत छोटे छोटे हैं, एक फिल्म के टाइम के अंदर तो ख़त्म हो जाते हैं, 2.5 घंटे के अंदर तो मोस्टली ये सीरीज़ ख़त्म हो जाती है, निपट जाती है। तो मज़ा तो आया और भुवन भाई ये जो एक्टिंग कर रहे हैं वो बहुत ही अमेजिंग लगता है। तो कमेंट करके बताओ आपने ताज़ा खबर देखी या नहीं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय। मैं वसंत गावड़े, मेरे पास एक वरदान है, मैंने ये वीडियो को देखा है और ये वीडियो बहुत अच्छा चला है। अब ये न्यूज़ को आपको वरदान बनाना है या श्राप बनाना है, ये आपके ऊपर है।